देखें जी, ये चाबी मेरे पास है। नहीं गाड़ी दी। अच्छा एक मिनट, गाड़ी की चाबी भूल गए थे। ये लो बेटा, युस्वा बैठ रही है, आज ये भी जा रही है बाबा साथ। तो यासीन आज थोड़ा सा रो रहा है। बाय यासीन, यासीन बाय 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 बाय। हाँ बहुत वजनी है। एक दिन मेरे नाल शहर गई, हाँ जी पकड़ सकती थी बैग, तो मैं बैग पकड़िया मालूम है कि पता नहीं उस वक्त किस तरह इतना वजनी बैग पकड़ लेंदी है। यासीन बाय बाय, चीज चीज ओके ओके जी, लाफेज उस लाफेज भी मान ला। अस्सलाम वालेकुम। तो इसके बाद जी मैं ऊपर आ गई हूँ। तो ऊपर आके जो बच्चों ने सारी चीज़ें फैलाई हैं वो मैं समेट रही हूँ। साथ में ये सबसे पहले तो मैं जो किचन में स्टैंड रखा होता है कपड़ों वाला, ये उठाने लगी हूँ। ये विंटर में फिर मैं 2 स्टैंड रखती हूँ, एक कमरे में होता है बच्चों वाले और एक फिर मैं ला के किचन में रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े नहीं जल्दी सूखते। फिर मुझे ये होता है कि हीटर के पास रहे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो अब उसके बाद जी सारी चीज़ों को मैंने समेटा है। समेटने के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो उसवा और यासीन को छोड़ा है, तो अब मैं बना रही हूँ उनके लिए और अपने लिए नाश्ता, क्योंकि ये फ्राइडे का व्लॉग है तो उसवा ने भी लेट जाना होता है उस दिन। तो फिर जब यासीन जाता है ना उसी टाइम फिर वो उसवा को भी साथ उधर छोड़ के आते हैं उसके स्कूल। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया था आमलेट का मिक्सचर। मेरा दिल था कि आमलेट बनाती हूँ, लेकिन उसी टाइम मेरा माइंड चेंज हो गया। तो मैंने फिर ऐसे ब्रेड को बीच में से काट के तो इसके अंदर जो था आमलेट वाला मिक्सचर फिलअप किया और इस तरह मैंने ब्रेड और आमलेट बना दिया। साथ में दूसरी साइड पे मैंने चाय रखी थी। चाय हमारी इतनी फेवरेट तो है नहीं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है और साथ में ज़रूरी भी है सुबह चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है। तो इसके बाद ही मैं नाश्ता हो गया रेडी, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का है। तो अब हम लोग बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। साथ में उन्होंने यूट्यूब पे ड्रामा लगाया हुआ था कैसी तेरी खुदगर्जी, तो उसकी अब वो बैक टू बैक जो है ना वो एपिसोड देख रहे थे। तो उसके साथ मैं भी देख रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन जब वो देख रहे होते हैं फिर मैं भी साथ में बैठ के देख लेती हूँ। इसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों सेंटर शॉप पर गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, तो उस पर ना अंगे बोर्ड पे जो चीज़ें लगी होती हैं सेल पे वो लगाई होती है उन्होंने। तो वो हम सब पहले वो देखते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड के कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है अंगे बोर्ड पे। फिर इसके बाद हम लोग अंदर आ गए सेंटर शॉप पे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए पिलो देख रहे थे, तो मैं यहाँ पे वैसे ही घूम रही थी चीज़ें। तो साथ में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही थी कि आजकल इनके ना जिस स्टोर पर भी आप जाओगे ना, ये क्रिसमस की और डेकोरेशन की इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इनके तकरीबन स्टोर के स्टोर फुल हैं इन चीज़ों से। और कपड़ों वाले भी स्टोर पे जाओगे तो शर्टें जो हैं वो क्रिसमस वाली हैं। तो इतनी ज़्यादा इनकी ये आजकल चीज़ें आई हैं ना इस तरह की, डेकोरेशन की भी और क्रिसमस की भी, और हर स्टोर का यही हाल है। तो है मैं वैसे ही इधर उधर घूम रही थी, मेरे हस्बैंड ने ले लिए थे बच्चों के पिलू, तो हम लोग अब घर जाने लगे हैं। तो मौसम देख लें, आजकल मौसम इसी तरह का और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हद नहीं है। कभी हल्की हल्की सी बारिश शुरू होने लग जाती है और कभी बस ठंडी हवा है, और इतना सर्द मौसम है ना, सही पता चलता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। इसके बाद जी मैं घर आई हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। मेरा बहुत दिल था और मेरे हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है, बल्कि हम दोनों को ही बड़ी अच्छी लगती है। और मैं गाजर की खीर ना जिस तरह मैंने अपनी अम्मी को देखा था ना बनाते हुए, मैं वैसे ही बना रही हूँ। कोई इसमें इतनी स्पेशल तकनीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जो गाजरें ली थी मैंने, थोड़े से चावल लिए थे, उनको हल्के से पानी में, थोड़ा सा पानी मैंने डाल के उनको थोड़ा सा गला लिया था। फिर इसके बाद मैंने दूध डाल दिया था। दूध था मेरे पास 2 लीटर दूध था, तकरीबन 2 डब्बे थे दूध वाले 1-1 लीटर के। वो मैंने डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये गाढ़ा हो गया था तो अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी भाई आपने अपने हिसाब से डालनी है, जितनी किसी को पसंद होती है उस तरह वो डाल ले। तो मैंने क्योंकि थोड़ी सी डाल के फिर उसको दोबारा चेक किया था, फिर डाली थी ज़्यादा, ताकि मुझे ये था ज़्यादा सी चीनी ना हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये इसकी कोई इतनी मुझे नहीं लगता कोई टेस्ट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है इस तरह खीर वगैरह में डालने के लिए मैं डाल देती हूँ। इससे मुझे लगता है कलर बड़ा अच्छा आता है इससे खीर का। तो इसके बाद ये बादाम है, ये भी मेरी कोई तकनीक नहीं है कि मैं नेटों से पैकेट लेके आई थी, इसी तरह छिले हुए थे। तो मैंने बस पैकेट खोला और उसमें उसको बॉल में डाले थोड़े से, तो वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऐसे नारियल पिसा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही पैकेट था तो निकाल के मैंने ऐसे ही बॉल में डाल दी है। तो अब ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, तो तकरीबन मेरी खीर जो है ये 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और ये जो ठंडी खाने का ना बड़ा मज़ा आता है गाजर की खीर, मैंने इसीलिए शाम को बना दी थी कि शाम को बना लूँगी तो सुबह जब फ्रिज से निकाल के ठंडी खाए ना तो बड़ी मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, ये खीर हो गई रेडी और इसको मैं निकाल के बाउल में तो दिखा रही हूँ आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल भी। मैंने कहा पहले आपको गाजर की खीर की तो दिखा दूँ, फिर इसके बाद। तो वो थी जी गाजर की खीर की रेसिपी। अब मैं आपके साथ करने लगी हूँ शेयर वेजिटेबल राइस की रेसिपी। इसमें मेरे पास थे आलू, गाजर और मटर, और मुझे बड़े पसंद है इस तरह के चावल, लेकिन ये है कि मेरे घर में कोई भी इतना खुश होके नहीं खाता, ना मेरे बच्चे चावल खाते हैं खुश होके, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो रोटी सालन ज़्यादा खुश होके खाते हैं। लेकिन आज मेरा बहुत दिल था तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो साथ में चलें जी इसकी भी जल्दी जल्दी से आज रेसिपी डे है तो मैं आपके साथ ना रेसिपी इसकी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने हल्का सा प्याज लिया था, उसको गोल्डन कर लिया था, उसमें जितना गरम मसाला था मेरे पास साबुत, कड़ी पत्ता था, दालचीनी थी और धनिया, ज़ीरा, लौंग थी कुछ, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब इसको मैं अच्छा सा थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। हल्का सा गोल्डन हो गया तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी जी मटर, फिर साथ में गाजर और आलू डाल के तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये बड़ा मज़े का बनता है, आपको कभी कभी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए ख़ास। आज मेरा बड़ा दिल था तो मैंने फिर अपने लिए इस तरह एक स्पेशल बनाया था पुलाव। और मुझे ये भी था कि कुछ शाम को मेरे हस्बैंड भी रात को काम करके आते हैं तो पका होगा तो वो भी फिर निकाल के खुद ही फ्रिज से गर्म करके तो खा लेंगे, क्योंकि अक्सर ही मुझे कहते हैं कि तुम रात को ना कोई चीज़ बना के रख दिया करो। तो इसके बाद थी मैंने एक टमाटर लिया था, हरी मिर्ची थी और साथ में अदरक और दही लाजमी डाला करें, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इस पुलाव की। यही मुझे स्पेशल लगता है, मुझे बहुत मज़े का लगा तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इसमें ना हरी मिर्चें और दही का जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा मज़े। तो एक चम्मच बिरयानी मसाला का मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो वो भी फिर मैंने थोड़ा सा इसको ना स्पाइसी करने के लिए वो डाल दिया था। और नमक डाल के तो मैं इसको मैंने पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 2 कप चावल थे मेरे पास और मैं तकरीबन 3.5 कप इसमें पानी डाल दिया था। तो ये माशाल्लाह से पक गए तो बड़े अच्छे बने थे। ये देश की थोड़ी मुझे लग रहा था कि मैंने छुट्टी रखी है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के घर भी भेजने थे, मैं उस हिसाब से 2 कप ले लिए थे। तो चलें फिर भी बड़े अच्छे और बड़े मज़े के बने थे। तो ये देखें जी आज मैंने आपके साथ पूरी दोनों रेसिपी शेयर की हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आपको ये रेसिपी दोनों अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसी हैं। तो इसके साथ ही जी मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। और ये देखें कितना मज़े का गाजर की खीर बनी है और साथ में ये वेजिटेबल राइस थे, साथ में खीरा था और रायता था। और आज का डिनर माशाल्लाह से बड़ा शानदार और अच्छा था।